यस मैम। यू हेलो मैम। हेलो मैम। हाय मैम। हाय मैम। हाय मैम। व्हाट अबाउट यू? फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोस्टल प्लेन्स एंड आज हमें कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड कोस्टल आइसलैंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइसलैंड के बारे में हम सभी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, आइसलैंड क्या होता है, याद है ना सभी को? यस मैम। नो मैम। नो नो कौन बोल रहा है? आपने किया था आइसलैंड एंड कोस्टल प्लान। आइसलैंड के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके थे ना, आइसलैंड क्या होता है टॉपिक में डिस्कस किया था हमने, आइसलैंड के बारे में तो डिस्कस किया था ना। यस आज था, आपको नहीं याद है बेटा? यस मैम याद है। चलिए अब आस्था ही बताएंगे आइसलैंड क्या होता है। यस आस्था, आइसलैंड किसे कहते हैं बेटा? A piece of land surrounded by water, one on all side is known as Iceland. Very good. So surrounded part of land that is surrounded by water. एक जमीन का ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? Iceland. तो अब हमें ये पढ़ना है क्या coastal plains, जो भी हम प्लेट्यू के बारे में पढ़ रहे थे, दक्कन प्लेट्यू के बारे में हमने पढ़ा था, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ा था, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा स्टेट है जो आइसलैंड की तरह है, दैट मीन्स कि वो पूरी की पूरी तरह पानी से ही घिरा हुआ है? और अगर हमें उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो तब हम लोग कैसे जाएंगे? यस, तो कौन बताएगा? अगर हमें आइसलैंड से किसी दूसरे एरिया में जाना हो तो हम कौन सा ट्रांसपोर्ट का कौन सा मोड यूज करेंगे? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज्ड? ये आदित्य मैम, शिप। शिप। ये सभी ने आप बताइए। यस अनुष्का मैम, शिप। शिप बेटा, शिप तो यूज ही करेंगे, एरोप्लेन भी तो जा सकती है ना? यस मैम। एरोप्लेन नहीं जा सकती? अगर हम शिप से जाएंगे तो जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए तो अब हमें आज का जो टॉपिक पढ़ना है ये है कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स कहाँ पर है, कौन से एरिया में है? तो बेटा सबसे पहले आप सभी का माइक ऑफ होना चाहिए, आप सभी के यहाँ से आवाज आ रही है ना, आपको मेरी आवाज सुनाई देगी एंड मैं आप जब डिस्कस करूंगी तो मुझे भी नहीं समझ आएगा कौन सा बच्चा क्या सुना रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल कीप योर माइक ऑफ। यशवर्धन बेटा माइक ऑफ रखना है आपको भी, एंड जो आंसर बताएंगे वो अपना माइक ऑन कर लेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ना है आज हमें। ए पीस ऑफ लैंड बॉर्डरिंग अ सी और एन ओशन इज नोन एज कोस्ट। तो एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो या किसी ओशन से घिरा हो, जिसका बॉर्डर सी की तरफ या ओशन की तरफ पड़ता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोस्ट। इंडिया हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 6,100 किलोमीटर रनिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द वेस्ट till the West Bengal in the east. The Indian coastline is divided into two parts. तो हमारी जो हमारा जो इंडिया है, क्योंकि हम सभी लोगों को बाकी कंट्रीज के कोस्टल एरिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हमारा घूमने का मन करेगा तो हम केवल इंडिया में ही जा सकते हैं।
बाकी जगह जाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब हमारे इंडिया में कोस्टल एरिया कहाँ कहाँ पर है? तो हमारे इंडिया में जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ही लंबा है, फिलहाल यहाँ पर भी लगभग 6100 किलोमीटर दूर तक चलता गया है ये। और ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ कच्छ से लेकर के वेस्ट ऑफ बंगाल इन द ईस्ट तक। तो फिलहाल हमें इस चैप्टर में इंडिया का मैप तो दिया ही था, यही रहा यहां से लेके यहां तक, और ये पूरा कोस्टल एरिया ही है ना? यहां से लेके और पूरा यहां तक ये पूरा क्या है? कोस्टल एरिया ही है। और अगर हम बात करें केवल इस पार्ट की तो कोस्टल एरिया है। बेटा इंडिया का मैप देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि इंडिया का कौन कौन सा पार्ट है जो कोस्टल एरिया में पड़ता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं कोस्टल एरिया के बारे में पढ़ना है अब हमें। तो जो इंडिया की कोस्ट लाइन है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से दो पार्ट्स हैं। जैसे हमारा प्लेट्यू दो पार्ट्स में डिवाइड था, वैसे ही हमारा जो कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड है इसे भी हम दो पार्ट्स में, कोस्टल प्लेन्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो हमारे इंडिया का ये प्लेन्स है, ये प्लेन्स एरिया है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पानी से सटके है, और प्लेन्स एरिया जो होते हैं इन्हें कोस्टल प्लेन्स इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे ये सारे प्लेन्स एरिया है, यहाँ पर खेती की जा सकती है, लेकिन ये किसी वाटर बाउंड्रीज से टच है इसलिए इन्हें कोस्टल प्लेन्स कहा गया है। ओके यस मैम। तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बेटा आप सभी को ध्यान से सुनना है कि ये दो पार्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। पहला है नॉर्थन सिराकर्स इन द नॉर्थ एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ टुगेदर फ्रॉम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो अब यहाँ पर है नॉर्थन सिराकर्स एंड नॉर्थ एंड द कोरोमंडल कोस्ट। तो ये दोनों ही हमारे ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स बनाते हैं। दीज स्ट्रेच अलोंग द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और ये देखिए जो यहाँ का ये जो पार्ट है यहाँ पर ही है हमारे वाले स्टेट। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले कोस्टल पार्ट को क्या नाम दिया गया है? इधर वाले कोस्टल पार्ट को, जो यहाँ वाला कोस्टल पार्ट है इसे नाम दिया गया है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये कहाँ से, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी रिवर हैं इन एरिया में जो फिर से जा करके समुद्र में मिल जाएंगी। तो कौन कौन सी हैं यहाँ पर? महानदी, गोदावरी एंड कावेरी एंड कृष्णा। तो ये सारी नदियां हैं जो बहने के बाद फिर से कहाँ मिल जाती हैं? बड़े से सागर में। ओके समझ आ गया आप सभी को इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए अब दूसरे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद आप सभी से क्वेश्चन पूछना है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ना है अब हमें। तो गुजरात कोस्ट इन नॉर्थ एंड द कोंकण एंड मालाबार कोस्ट इन द साउथ टुगेदर फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। And these stretches of land start from Gujarat in north, pass through Maharashtra, Goa and Karnataka in Kerala in the south. तो ये इतने सारे states हैं जिनसे सट करके हमारा western coastal plain बना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये गुजरात कोस्ट से स्टार्ट होता है एंड कोंकण एंड मालाबार कोस्ट, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है फिर देखिए, द स्ट्रेच ऑफ लैंड स्टार्ट फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ एंड पासिस थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड एंड इन केरला इन द साउथ। द मेन रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन आर तापी, नर्मदा, जौरी एंड मंडोवी। तो ये इतनी सारी नदियां हैं जो यहाँ पर बहती हैं। तो अब देखिए गुजरात कौन से पार्ट में है, पता है आप सभी को? यस मैम। यस, गुजरात कौन से पार्ट में पड़ता है बेटा? चलिए कौन कौन पहचानता है मैप में गुजरात को, गुजरात कहाँ पर है? मैटे। यस शिवांगी।
कहाँ पर है गुजरात? इस पार्ट में या इस पार्ट? नॉर्थन पार्ट। यस बेटा, लेफ्ट या राइट, कौन से पार्ट में है? ये इधर वाला लेफ्ट, ये इधर वाला राइट, तो कौन से पार्ट में पड़ता है हमारा? हम राइट। यहाँ पर? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए शिवांगी त्रिपाठी, आप बताइए कहाँ पर पड़ता है, लेफ्ट या राइट? गुजरात कहाँ पर पड़ता है? आस्था? यस आस्था, आप बताइए। यस आस्था, राइट। आस्था बोल रही है राइट में पड़ेगा, यानी यहाँ पर। चलिए अनुष्का, आप बताइए कहाँ पर पड़ता है गुजरात? मैम लेफ्ट। लेफ्ट, यहाँ पर। आप सारे ही कंफ्यूज हैं स्टेट्स को लेके। यस आदर्श, आप बताइए। मैम लेफ्ट। लेफ्ट, यहाँ पर। मैं आज बेटा आप सभी के लिए टास्क है। यस, आज आप होमवर्क में क्या करेंगे, एक मैप में आप सारे स्टेट्स का नाम, जितने स्टेट्स है ना हमारे टोटल कितने स्टेट्स हैं याद है? टोटल हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? 29। तो आपको टोटल 29 स्टेट्स को मैप में, मतलब सर्कल से आपको बताना है कहाँ पर कौन सा स्टेट है, उसका नाम भी लिखना है। मैम बुक में है। तो यस मैम बुक में। यस, और एक बात और, ये आप सभी को जो नाम लिखना है, नाम लिखेंगे ना मैप में जितने स्टेट हैं टोटल, उन सभी के नाम लिखना है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, बिना देखे आपको लिखना है, ठीक है? एक बार आप पहले बिना देखे लिखेंगे, उसके बाद टैली कर लेंगे कि आपने कौन सा गलत लिखा है। तो इसके लिए पहले आप देख सकते हैं, लेकिन जिस समय आप लिखेंगे अपने मैप में, उस समय देख के नहीं लिखेंगे, ठीक है? यस मैम, यस मैम। क्योंकि इसके लिए यस बेटा, इसके लिए मैं फिलहाल स्कूल में किसी भी बच्चे को बुलवा के उसको मैप पूरा फिल करने के लिए टेस्ट दे सकती हूँ, और गलत हुआ ना दैट मींस कि आपने चीटिंग की है। तो आपको सारे स्टेट्स के नाम मैप में कहाँ कहाँ पर है सारे लर्न करने हैं, मैं किसी को भी बुलवा सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है? यस मैम, यस मैम। तो आपको रिवाइज करते हैं, फिलहाल आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से नॉटी हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो लोग भी करेंगे तो कर लेंगे, बहुत बड़ा काम नहीं है, हमें केवल अपने इंडिया के बारे में तो पढ़ना है। चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये हमारा नॉर्थ में गुजरात, नॉर्थ में गुजरात से शुरू होकर के मालाबार कोस्ट तक है साउथ में, और इससे ही कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बनता है। ये हमारा गुजरात से शुरू होकर के महाराष्ट्र से होते हुए गोवा एंड कर्नाटका तक आता है, एंड लास्ट में केरला तक है। तो यानी कि ये गुजरात से केरला तक है पूरा, और यहाँ पर मेन रिवर कौन कौन सी है, तापी, नर्मदा, जोरी एंड मांडोवी। तो ये सारी नदियां हैं जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहती हैं। ओके बेटा, याद हो गया सभी को? यस मैम, यस मैम। चलिए अब आप सभी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आइसलैंड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस राजपाल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस राजपाल, आपको बताना है। राजपाल बताएंगे व्हाट इज द कोस्ट, डिफाइन कोस्ट,
डिफाइन कोस्टल एरिया. यस राजपाल. That is a land boundary, a sea or an ocean known as coastal. Very good. So a piece of land bordering a sea or an ocean is known as coastal area. So एक ऐसा land जिसका border, जिसके किनारे किसी समुद्र से किसी महासागर से टच हुए हो, उसे हम क्या कहते हैं? Coastal area. चलिए अब आपको बताना है. What are the yes? आपकी बार कौन बताएगा आंसर? Yes, आदित्य आप बताएंगे. What are the two main parts of Indian coastline? Northern coast. No, continue. Yes, Asta, now you tell. Eastern coastal plain and western coastal plain. Okay, very good. चलिए अब बताएंगे अंजित. Yes, अंजित अब आपको बताना है. What are the rivers that flows in eastern coastal plain? मैम, महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ममता बताएंगी. व्हाट आर द स्ट्रेट दैट स्ट्रेच बिटवीन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? यस ममता, नेम द स्ट्रेट दैट स्ट्रेच बिटवीन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया. Coast in the south together from the eastern coastal plain. आवाज ही नहीं आ रही आपकी बेटा, बहुत स्लो आवाज आ रही है. साक्षी, now you tell. Yes, साक्षी. Yes, Aditya, now you tell beta. That is long the Yes, Anushka, now you tell. मैम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. वेरी गुड. चलिए राजपाल बताएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फिर से. यस राजपाल, आपको बताना है. व्हाट आर द स्टेट्स दैट स्ट्रेच बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? मैम, गुजरात, महाराष्ट्र एंड केरला. कर्नाटका एंड केरला इन द साउथ. यशवर्धन, अब आपकी बारी है. आपको बताना है व्हाट आर द रिवर्स दैट फ्लोज इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. नर्मदा, जूरी, मंडोवी. चलिए शिवांगी कन्नौजी, अब आप बताएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. व्हाट इज आइसलैंड? ये शिवांगी, शिवान्या, नाउ यू टेल बेटा. Land surrounded by water and on side is known as island. Okay, very good. चलिए अब कौन बताएगा? अभी तक कौन से बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं बताया? शिखर. यस शिखर, नाउ यू टेल.
How long the Indian coastline from West Bengal to East? Jai Shikhar. 1600 किलोमीटर. चलिए अब तो बेटा अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग भूलेंगे नहीं. अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी से ना आज के पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. चलिए तो अब हमें पढ़ना है आइसलैंड के बारे में. तो बेटा ये जो आइसलैंड है ये हमारे इंडिया का ही नहीं है, हमारे इंडिया से अटैच भी है इसमें से कुछ पार्ट. तो अब हमें पढ़ना है आइसलैंड के बारे में. हम सभी पढ़ ही चुके हैं ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, इज नोन एज एन आइसलैंड. इसे आइसलैंड कहा जाता है. बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? मैंने आप सभी को बोला आप अपना माइक ऑफ रखेंगे जब. यस, ममता के यहाँ से आवाज आ रही थी. चलिए तो अभी हमने पढ़ा है आइसलैंड किसे कहते हैं, एक ऐसा लैंडेड पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो. द टू मेन ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन इंडिया, तो हमारे इंडिया के दो मेन ग्रुप हैं आइसलैंड के, अंडमान एंड निकोबार एंड आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन अरेबियन सी. तो हमारे इंडिया के दो ग्रुप हैं आइसलैंड के, एक है हमारा अंडमान एंड निकोबार और दूसरा क्या है लक्षद्वीप जो कि यहीं पर है नीचे. तो ये दोनों ही क्या है आइसलैंड है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में. तो बेटा अंडमान एंड निकोबार एक ऐसी जगह है जहां से इंडियन नेवी फोर्स की जाती है, यानी कि ये जो अंडमान एंड निकोबार है हमारा ये एक टापू है आइसलैंड है. यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, फिलहाल बहुत ज्यादा आबादी नहीं रहती लोगों की. यहाँ से इंडियन नेवी फोर्स की जाती है, यानी कि जो ऐसी आर्मी होती है जो पानी के नीचे से लड़ाई करती है, तो अंडमान एंड निकोबार में ही उन्हें ट्रेन किया जाता है. तो चलिए अब अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ना है हमें. द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर ए ग्रुप ऑफ मोर देन 572 आइसलैंड. तो ये जो अंडमान एंड निकोबार है आपको पता है ये अंडमान एंड निकोबार एक बहुत बड़ा सा आइसलैंड है, लेकिन इस आइसलैंड के अंदर अगर हम इसके अंदर जाएं तो हम अगर पूरी जगह घूम लेंगे ना तो इसके अंदर छोटे छोटे 572 आइसलैंड हैं, यानी कि ये खुद ही इतना छोटा दिखता है देखने में और इसके अंदर 572 आइसलैंड और भी हैं. तो ये फिलहाल हैरानी वाली बात है लेकिन ये है एग्जैक्ट में ऐसा ही है. द नॉर्थन पार्ट इज नोन एज द ग्रेटर अंडमान वाइल द साउथन पार्ट इज कॉल्ड निकोबार आइसलैंड. तो अब बेटा जो इसका नॉर्थन पार्ट है इसको हम ग्रेटर अंडमान कहते हैं एंड जिसका साउथन पार्ट है उसे निकोबार कहते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. चलिए तो अब इसका एक और छोटा सा टॉपिक है द सेल्यूलर जेल. और आपको पता है यहाँ पर एक इसी अंडमान एंड निकोबार में एक जेल भी है और उस जेल में ऐसे ऐसे क्राइम करने वालों को भेजा जाता है जिन्हें पूरे उम्र भर की सजा दे दी जाती है कि पूरे उम्र जेल में ही रहना है. और ऐसी सजा बहुत बड़ा क्राइम करने पे दी जाती है फिलहाल. और जिसको भी ऐसी सजा दी जाती है आपको पता है जब तक वो जिंदा रहता है ना तब तक वो बाहर की दुनिया नहीं देखता, पूरी पूरी लाइफ लॉन्ग गुफा में ही रहता है और उसको सनलाइट भी नहीं देखने को मिलती. और ये जो सजा है ये एक जेल में रहने पे दी जाती है, मतलब एक जेल में ही पूरे टाइम पे रहना पड़ता है. और आपको पता है ये वाली जेल यहीं पर है निकोबार आइसलैंड में. ये देखिए द सेल्यूलर जेल पॉपुलरली नोन एज काला पानी. तो यहाँ पर ये जो जेल है जिसे काला पानी भी कहा जाता है, जिसका मतलब कि यहाँ पर जो क्रिमिनल है उसे हमेशा बंद रखा जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा. इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन पोर्ट ब्लेयर. और इसके अलावा इसे मतलब पहले के टाइम पे इस जेल में बहुत सारे कैदी को रखा जाता था. और इसके ही पास एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है पोर्ट ब्लेयर.
इट वॉज बिल्ट बाय ब्रिटिश, जिसे ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, जिस समय हमारे देश में ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे ना, उन्होंने पोर्ट ब्लेयर बनवाया था जो कि इसी जेल के पास है. इट वॉज बिल्ट बाय ब्रिटिश, इट इज नॉट यूज्ड एनी लॉन्गर. इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा, इट इज नॉट यूज्ड एनी लॉन्गर, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा दिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो पोर्ट ब्लेयर है ऐसा माना जाता है कि ये पानी में डूब गया है बहुत बार, तो इसलिए इस जगह का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. यस, ये ममता के यहाँ से आवाज आ रही है और किसी के यहाँ से भी आ रही है? किसके यहाँ माइक ऑफ है, ऑन है? सिमरन, सिमरन आपको माइक, ये अभिनय के यहाँ अभी माइक ऑफ ऑन है. अभिनय आपने भी तो कर रखा था, फिर मैं उन बच्चों को रिमूव कर दूंगी जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में. चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, पोर्ट ब्लेयर, जिसे कि ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, लेकिन इसका ज्यादा टाइम तक यूज नहीं किया जा सका क्योंकि ये पानी में डूब गया. पानी में क्यों डूबा होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, बहुत सारी नदियां जो ऊपर से बह करके आती हैं, वो सारी इसी एरिया में तो मिल जाती हैं, इसी समुद्र में, और फिर क्या होता है, इनका पानी का लेवल ऊपर चला जाता है. तो बहुत सारे ऐसे आइसलैंड है बेटा जो डूब जाते हैं फिर दिखाई देने लगते हैं, फिर डूब जाते हैं फिर दिखाई देने लगते हैं. तो ये जो आइसलैंड है पोर्ट ब्लेयर, ये मतलब यहाँ पर कुछ चीजें ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी जो फिलहाल यूज नहीं की जा सकी क्योंकि ये पानी में डूब गया था, फिलहाल अब फिर दिखने लगा है. ओके, चलिए अब हमें पढ़ना है लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में. तो अभी हम पढ़ रहे थे अंडमान एंड निकोबार, जो इधर है हमारा, हमारे इंडिया के इस पार्ट में. अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप, जो कि इस वाले पार्ट में है. चलिए, तो अब लक्षद्वीप आइसलैंड, ए ग्रुप ऑफ 36 आइसलैंड, ये रहा लक्षद्वीप. और यहाँ पर टोटल 36 आइसलैंड है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये 36 आइसलैंड है. These islands are close to the Malabar coast and are rich in coral deposit. और ये जो है ये वाला एरिया, यानी जो लक्षद्वीप आइसलैंड है, ये कहाँ पर है, मालाबार कोस्ट के पास ही है. तो ये मालाबार कोस्ट पड़ता है हमारा, इसके पास ही अटैच है ये. और यहाँ पर कोरल डिपॉजिट, यानी जो समुद्र से जो चीजें निकाली जाती हैं, सीपे, मूंगे, मोती वगैरह, वो यहाँ से निकाले जाते हैं. ओके, यस मैम. आपने अभी पढ़ा है इन सारे, आपको आइसलैंड के बारे में समझ आ गया? यस मैम. चलिए, अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछने हैं आप सभी से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर बताने आप सभी को. तो हमने पहले पढ़ा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बारे में, जो हमारे ये देखिए ये यहाँ पड़ता है इस पार्ट में. एंड ये जो टोटल दिख रहा है आपको, ये टोटल 572 आइसलैंड का ग्रुप है. इसके नॉर्थन पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्रेटर अंडमान, एंड जो साउथन पार्ट है इसे हम कहते हैं निकोबार आइसलैंड. अब आगे आता है हमारा सेलुलर जेल, मैंने अभी आपको बताया था काला पानी, वो भी इसी जगह पर है. और ये टूरिस्ट स्पॉट पोर्ट ब्लेयर पे बनाई गई थी, और इसलिए ये जेल भी अब खत्म हो चुकी है. तो अब इस जेल का दूसरा पार्ट किसी दूसरे आइसलैंड में बना है, फिलहाल अभी भी लोगों को काला पानी की सजा दी जाती है. तो पहले ये पोर्ट ब्लेयर पे बनाया गया था, लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो है वो सी लेवल में वाटर लेवल ज़्यादा होने पे, सी लेवल ज़्यादा होने पे वो डूब गया था, और इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सका. चलिए, अब आगे और क्या पढ़ा था हमने लक्षद्वीप आइसलैंड के बारे में. तो जो लक्षद्वीप आइसलैंड है हमारा, ये टोटल 36 आइसलैंड का ग्रुप है. ये अरेबियन सी में पड़ता है हमारा, एंड ये मालाबार कोस्ट के पास है. एंड मैंने आपको बताया था यहाँ पर कोरल डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं. ओके, यस मैम. चलिए, तो अब हमें पढ़ना है, अब हमें एक बार रिवाइज करना है कि आप सभी को कितना याद हुआ. चलिए, शिवांगी त्रिपाठी, अब की बार आपको बताना है सबसे पहले. ये शिवांगी त्रिपाठी, आपको बताना है
how many islands situated at Andaman and Nicobar islands? Ma'am, total 572 islands are in Andaman and Nicobar Island. Okay, well tried. चलिए नेक्स्ट बताएंगी शिवान्या. आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर द फेमस टूरिस्ट स्पॉट दैट क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स सिचुएटेड इन विच आइसलैंड. चलिए आस्था आप बताइए. अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अनुष्का को बताना है. यस अनुष्का आप बताएंगी. The famous tourist sport port player made by which? Who made by the tourist sport port player? Ma'am, British. Britishers. चलिए Britishers थे जिन्होंने port player को बनवाया था. Yes, next question का answer शिवांगी कनौजिया बताएंगी. ये शिवांगी कनौजिया. लक्षद्वीप आइसलैंड include total how many island? Total how many island includes in the Lakshadweep island? Lakshadweep island contains 36 islands. Okay. चलिए next question का answer राजपाल को बताना है. What are the two Iceland group that found in India? चलिए अनुष्का आप बताएंगी. What are the two Iceland groups of India? Ma'am, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep Island. बेटा आइसलैंड है वो. ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. आस्था आप बताएंगी. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मालाबार कोस्ट? यस अनुष्का. मालाबार कोस्ट are rich in coral deposit. तो यहाँ पर coral deposit ज़्यादा पाए जाते हैं. चलिए तो अब हमें next class में क्या पढ़ना है, यहाँ की life कैसी है. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जो southern plateau है हमारा, जिसके बारे में अभी हमने इसके plains के बारे में पढ़ा है, यहाँ के आइसलैंड के बारे में भी पढ़ा है, अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, वो क्या क्या चीजें खाते हैं, कैसे रहते हैं, मौसम कैसा है यहाँ का, और कौन कौन से पेड़ हैं जो यहाँ पर रहते हैं. फिलहाल बेटा ये जो साउदर्न प्लेट्यू है हमारा, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सांप बहुत सारे पाए जाते हैं. चलिए तो अब हम ये भी पढ़ेंगे यहाँ पर कौन कौन से पार्क एंड कौन कौन सी सेंचुरीज बनाई गई हैं जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कौन कौन से जानवरों को बचाने के लिए. चलिए तो आज जितना पढ़ा है समझ आया सभी को? यस मैम. यस मैम. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो मैम.
आपका जो टास्क है आज का, आपको सबसे पहले तो मैप में सारे स्टेट्स के नाम लिखने हैं, वो भी बिना देखे, ठीक है? यानी yes, मैम. लिखना है और चीटिंग नहीं करनी है किसी को भी. मैम मैप yes, मैम मैप भी बनाना है. अब अगर मैप हो आपके पास तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप लोग कर सकते हैं. मैप आपके पास जो रखा हो उसी मैप में, उस मैप को यूज कर सकते हैं. ओके होगा ना मैप आप लोगों के पास? यस मैम. बुक बी, बुक बी में, बुक बी में मैप है. चलिए बेटा, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही. अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, अभी टाइम है, फिलहाल 2 मिनट है अभी. यस आदर्श, आप बताइए, द सेल्यूलर जेल काला पानी सिचुएटेड एट विच आइसलैंड? यस आदर्श, चलिए बताइए. नहीं आ रही है शिखर, आप बताइए. शिखर डिस्कनेक्ट हो गई. शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल बेटा. आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, एक बार इससे क्वेश्चन बोल दीजिए. अंडमान एंड निकोबार. चलिए अब नेक्स्ट सिमरन, आप बताइए. क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. यस सिमरन, आपको बताना है व्हाट आर द रिवर दैट वाज एट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. बेटा मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट आर द रिवर दैट फ्लोज एट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. दैट फ्लो थ्रू दिस मैम मंडोवी जूरी. ओके फिलहाल बेटा टाइम ओवर होने वाला है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइफ साइकिल के बारे में, आप लोगों की लाइफ कैसी है, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो. ओके यस मैम. यस मैम. तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल आपको अपना होमवर्क सभी को सबमिट करना है मैप वाला. यस मैम. यस मैम. गुड बाय एवरीवन. यस मैम. गुड बाय. Goodbye. And goodbye.